हाँ जी बाबा, सेमी सुख और सेमी दुख का मतलब क्या है? माने थोड़ा दुख और थोड़ा सुख, न ज्यादा दुख और न ज्यादा सुख। सेमी माने अधूरा, पूरा नहीं। कलयुग में है पूरा दुख, सतयुग में है पूरा सुख, त्रेता में है सेमी सुख। माने 16 कलर संपूर्ण नहीं है। द्वापर में है सेमी दुख, पूरा दुख नहीं है। कलयुग में भरपूर दुख ही दुख है। विजय माला का एकता भट्टी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? विजय माला, विजय माला की आएंगे नहीं तो उनका भट्टी होना चाहिए कि नहीं? उनका भट्टी भी होगा, उनका सरेंडर समर्पण भी होगा, क्यों नहीं होगा? अव्यक्त वाणी में भी तो बोला है, ये कोई आखिरी समर्पण समारोह नहीं समझना। अभी दोबारा समर्पण समारोह भी मनावेंगे। और गायन है 33 करोड़ देवी देवताएं, 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है बाबा, तो 4.5 लाख ही तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, तो बाकी देवताएं कहाँ से? 33 करोड़ देवी देवताएं तो वो हैं जो बाप को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, मान लेते हैं। 4.5 लाख तो वो हैं जो फर्स्ट क्लास प्रजा में आते हैं, उसके बाद भी तो प्रजाएं बनती हैं स्वर्ग में। वो हैं सब देवताएं, भले प्रजा वर्ग के हैं। यथा राजा तथा प्रजा। मान लो त्रेता का अंत में जो देवता होगा, राजा होगा, तो वो भी तो देवता ही कहा जाएगा, सेम ही देवता है। तो उसकी प्रजा भी सेम ही है, सेम ही देवता कही जाएगी। तो ऐसे 16 कला संपूर्ण देवताएं हों, चाहे 8 कला संपूर्ण देवताएं हों, वो भी देवताएं हैं। और फिर उस कुल में आने वाले, पीढ़ी दर पीढ़ी 84 जन्म तक चलने वाले, वो सारे ही देवताएं हैं। क्योंकि त्रेतायुग तक तो सिर्फ 10 करोड़ ही देवताएं आते हैं, परम धाम से आत्माएं, देव आत्माएं। बाकी 23 करोड़ तो द्वापर कलयुग में उतरते हैं, उनके परिवार में परंपरा ऐसे ही चलती है जैसे स्वर्ग में चलती थी। पूरे परिवार का एक ही मुखिया होता है, 60-60, 70-70 का परिवार होता है, एक ही चूल्हा चलता है, सब मिलजुल करके रहते हैं। मुखिया ऐसे रहता है परिवार का जैसे कि राजा। एक मत होती है, एक कुल होता है, उन सब की एक भाषा होती है। ऐसे नहीं आज के परिवारों की तरह कि बच्चा जनता पार्टी को वोट दे रहा है तो बाप कांग्रेस पार्टी में जा रहा है, माँ जो है वो सपा पार्टी में घुस गई है। ऐसे नहीं होता, सबके मत अलग अलग नहीं होते। और ऐसे परिवार प्राय लोप हैं,
बिरले कहीं कहीं देखने में आते हैं। तो कलयुग अंत तक वो आत्माएं उतरती रहती है, अभी भी उतर रही है देवतावान की आत्माएं। और गौ माता की सब पूजा करते हैं, लेकिन बैल की पूजा कोई नहीं करता। बैल की पूजा नहीं करते वो पुजारी होते हैं, बैल को पकड़ के और कौड़ियां लगा करके चारों तरफ घुमाते हैं, उसकी पूजा करते हैं कि नहीं? और मंदिर में शिवलिंग के बाजू में बैल रखा होता है, उस बैल की पूजा नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते हैं? तुम सिख धर्म में, इसलिए तुमको पता नहीं है। हाँ पूरा पूरा। और हाँ बैल जो है वो पुरुष प्रकृति का है, और गाय तो प्रकृति से स्त्री है। है तो यहाँ की बात, कृष्ण ने कोई जानवर गऊँ थोड़ी चढ़ाई थी। जानवर गऊँ की बात नहीं है। तो कन्याएं माताएं उनको तो पवित्रता में श्रेष्ठ कहा है, इसलिए उनकी ज्यादा पूजा होती है। पवित्रता का आधार है पूजा, पूजा का आधार है पवित्रता। बैल पुरुष का रूप है, पुरुषों को तो सबको दुर्योधन दुशासन कह दिया, तो वो तो उतने पवित्र नहीं होते हैं, इसलिए पूजा भी कम है। और तीजरी माने तीसरा नेत्र खुलने की कथा, जो कथा कन्याएं बहुत करती हैं। कन्याओं में मुख्य पहली कन्या है कन्याकुमारी। उसको ये आस लगी रहती है कि कब आंख खुले, तीसरा नेत्र खुले तो एक तरफ स्थापना के नजारे, दूसरी तरफ विनाश के नजारे देखने को मिले। तो सारा काम संपन्न हो जाए। और पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ के सुना दो क्या बात है। जीवन में शब्द और बेशब्द का जो बेशब्द आधार है हो जाने बन जाते हैं, जैसे शब्द और बेशब्द जीवन में, उसका आधार क्या है? सब्र आना माने संतोष आना, बेसब्र माने असंतोष हो जाना। कैसे बन जाते हैं, क्या आधार है इसमें, बैलेंस कैसे? ये सब मन के ऊपर है, मन सबका आधार है। मन कंट्रोल है तो संतोष ही संतोष है, मन कंट्रोल से बाहर है तो बेसब्री आ जाती है। और बाप कहते हैं शरीर तुम्हारा सड़ता जाएगा, आत्मा पावरफुल होती जाएगी। तो बाबा किसी भट्टी किए हुए बच्चे को शरीर में कैंसर हो गया और उस आत्मा में बाबा के प्रति निश्चय और उमंग उत्साह भी है, उसका शरीर छूटेगा या कैंसर भी ठीक हो जाएगा?
कैंसर ठीक हो रहे हैं। कोई खलास भी हो रहे हैं? बाबा ने तो बता दिया कि भक्ति मार्ग का कोई न कोई ऐसा निशान है जरूर, जो अपनी अति पर पहुंच जाता है तो शरीर छोड़ना पड़ता है। भक्ति मार्ग खलास हो जाए तो शरीर नहीं छूटेगा। और सड़े हुए शरीरों से भी आत्मा काम लेती रहती है। ये अपने अपने उमंग उत्साह की बात है। बाबा, क्या आप राज परिवार की 16,108 महात्माओं की प्रैक्टिकल में संगठित होने का समय आ चुका है? एक सौ आठ इकट्ठे संगठित हो जाएंगे कि पहले ग्रुप वाइज संगठित होंगे? माला बनाई जाती है तो पहले माला की अलग अलग ढेरियां संगठित करके रखी जाती हैं कि सारा ही ढेर इकट्ठा कर लिया जाता है? क्या करते हैं? ढेरियां बनाते हैं। एक एक ग्रुप के मणके इकट्ठे होते हैं पहले, जिनके स्वभाव संस्कार एक जैसे हैं पहले से, वो पहले संगठित हो जाते हैं। आठ राजाइयां स्पष्ट देखने में आवेंगी। जैसे दुनिया में अभी तक भी आठ धर्म देखने में आए हैं, बाकी तो मठपंत हैं, उनकी बात छोड़ दो। मुरली में आया है कि अब सच्चा सच्चा काशी करवट खाना है। खुद काशीनाथ शिव बाबा कहते हैं, हम तुम सब को लेने आया हूं, अभी काशी करवट खाना ही पड़ेगा। क्या पूछ रहे हैं इसमें? हाँ, जो अलग अलग ग्रुप हो गए वो काशी करवट नहीं हुई, क्योंकि अलग अलग ग्रुप के अलग अलग मुखिया हैं। उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर दी। एक बाप के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना नहीं हुआ। अलग अलग ग्रुप से प्रभावित हो गए। उससे भी आगे बढ़ना है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक के प्रति अर्पण में होना है। ऐसे तो दुनिया में भी 8-9 धर्म चल रहे हैं, सब अपने अपने धर्म पिता को मानते हैं, ग्रुप बने हुए हैं। वो कोई माला थोड़ी ही है, वो कोई संगठन थोड़ी ही है। वो तो जैसे कि मारा मारी की दुनिया बना ली, आपस में लड़ते ही झगड़ते रहते हैं।
सारा वसुधा एक कुटुंब बन जाए उसके लिए तो एक बाप चाहिए। बाबा ये आठ अलौकिक शक्तियां जो अष्ट सिद्धियां कहलाती हैं, क्या क्या लिखा, अणिमा महिमा गणिमा गरिमा लघिमा प्रतिमा प्राप्ति प्राकाम्य सत्व कवित खूब रटा। इनका बेहद में अर्थ क्या है, अणिमा माने अनुरूप बन जाओ, अति सूक्ष्म बन जाओ, महिमा माने उनकी इस महिमा संसार में फैल जाए, गरिमा भी जानते हो, क्यों अपनी गरिमा को खत्म करते हो, लघिमा अत्यंत लघु बन जाना, सामने से गुजरते रहें लोग पहचान ही ना पाए, प्राप्ति ईश्वत्व ईश भाव बनता है कंट्रोल करने को, शासन करने को, और वशित्व जो कोई सामने आवे उसको वशीभूत कर ले। कुबेर की नौ निधियां हैं, क्या क्या लिखा है हम तो कभी सुनी भी नहीं है, क्या है ये शंख मकर कच्छप, अरे मनुष्यों ने पता नहीं जाने क्या क्या लिख दिया है, उन्होंने ये थोड़े ही समझा है कि ये कोई चैतन्य आत्मा होती है, जो आया सो नाम रख दिया, कुंद मुकुंद नील पर्व शंख मकर कच्छप। बारह राशियों में से भी कुछ उठा ले। तेईस करोड़ जो आत्माएं हैं वो फिर द्वापर से जो आती हैं वो ज्ञान में चलती हैं। 33 करोड़ आत्माएं द्वापर से आती हैं? 23 करोड़। हाँ बाप को तो मानेंगी ना। हाँ देवताएं आस्तिक होते हैं या नास्तिक होते हैं? देवताएं तो सब आस्तिक ही होते हैं ना। आस्तिक होते हैं माने बाप को पहचानते हैं मानते हैं। जो बच्चे यहाँ बाप की बदनामी करते हैं जो बाप भी है टीचर भी है सदगुरु भी है तो क्या तीनों पार्टी की ग्लानी करते हैं? वो तो करते ही है, बाप की भी ग्लानी होती है टीचर की भी होती है सदगुरु की भी होती है। बाबा गीता पाठशाला में हाजिर रजिस्टर में बिना क्लास के लिए ही साइन कर देते हैं, हफ्ते में 2-4 दिन ही आते हैं, फिर भी पूरे सप्ताह की उपस्थिति दिखाते हैं, ऐसों की क्या शूटिंग हो रही है? क्या शूटिंग हो रही है बताओ? हैं हैं नेमिनाथ नेमिनाथ
नेमी कहाँ हुए? नेमी नाथ तो तब हो जबकि नियम से क्लास में आए। उन्हें कहेंगे नेमीनाथ। यहाँ तो दिखावा की बात हो गई ना, कि आते तो है नहीं लेकिन साइन ऐसे कर देते हैं ताकि देखने में आए। तो दिखावा करने वाले हुए या नेमीनाथ हुए? और दिखावा करने वाले कौन से धर्म के होते हैं? क्रिश्चियन धर्म में चले जाएंगे। पूरा पवित्र जीवन तुम उनके पीछे पीछे घुसे रहे क्या? तुम अरे जो हम पूछ रहे सो तो बताओ, उनके पीछे पीछे लगे रहे क्या? होती रहेगी। अरे जीवन भर पवित्र हैं तो तुम उनके पीछे लगे रहे, फिर कैसे कहते हो? नारायण पद तो है लेकिन वो नारायण पद की कोई महिमा है, कोई गरिमा है शास्त्रों में? भारतवर्ष में कोई मान्यता है? क्यों मान्यता नहीं है? इसलिए मान्यता नहीं है कि जो भी पक्के ब्राह्मण है वो जानते हैं ये कच्चे कन्वर्ट होने वाले नारायण हैं जो द्वापर युग से दूसरे धर्म में जा करके भारत की बद्ध कर देंगे, भारत की महिमा को समाप्त कर देंगे, भारत को भारतवासियों को धोखा दे देंगे। इसलिए उनकी शास्त्रों में कोई बोलो, अरे तुम तो बड़ी महिमा भरी हुई है बुद्धि में। और नहीं बहुत दुख हो रहा है? वो भूल भुलैया भी कहाँ से आई है? कौन से धर्म से आई? अरे बोलो तो, मुस्लिम धर्म से आई। और मुस्लिम धर्म कौन से धर्म से आया? इस्लाम धर्म से आया। और कुमार का दादी कौन से धर्म? बेचारे भाई को भूल भुलैया में डाल दिया। और हाँ जी, क्या है क्या है? भूल भुलैया का खेल है। वैज्ञानिक लोग मानते हैं भूत प्रेतों को, तो खोज क्या करेंगे? और सर्वगुणों का राजा है सहनशीलता, और बोला हुआ है कि राजाएं ज्यादा सामना करते हैं। रुद्रमाला के लिए दोनों गुणों में से ज्यादा कौन सा गुण धारण करना है, सहनशीलता या सामना करने का गुण? और दोनों गुणों में से सबसे ज्यादा नंबर किस में मिलने? बताओ। सहनशीलता को ज्यादा नंबर मिलेगा। सहनशील बनने वाला फिर राजा बनेगा? राजा नहीं बनेगा? क्यों, सत्युग त्रेता में राजा नहीं बनेगा? सहनशीलता वाला सत्युग त्रेता में राजा नहीं बनेगा? हाँ बनेगा। हाँ, राजाएं जब राजा नहीं होते हैं, क्या राजाएं जब राजा नहीं होते हैं, राजा बनने के पुरुषार्थ ही होते हैं, तब सहनशीलता ज्यादा धारण करते हैं। राजा बन गए फिर सामना ज्यादा करते हैं। अन्याय के विरुद्ध तो सहन करना है, अन्याय को सहन करना तो गलत है। हाँ,
तो राजा अन्याय को सहन करे या न्याय को सहन करे? है न्याय को सहन तो सहन करना चाहिए, अन्याय को नहीं सहन। है सामना करेगा। द्वापर से कलयुग तक तो अन्याय ही अन्याय बढ़ता है ना, तो राजा का काम है अन्यायियों का सहन करना, वो सामना करना। और सतयुग में आया है कि वो मुरली में आया है कि सतयुग में लकड़ी के वाद्य यंत्र होंगे, तो उसे बनाने के लिए यहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बांसुरी बनाने के लिए ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, है? उसे तो कोई प्रैक्टिस ही नहीं है। बिजली की क्या दरकार है? अरे जहाँ मौसम ही सदा एक जैसा है वहाँ बिजली की दरकार है? जरूरत ही नहीं। कारखानों की दरकार ही नहीं। बाबा भक्ति मार्ग में रामायण में दिखाते हैं कि जब पुरुषोत्तम श्री राम बाल्य को मारते हैं तो जो सात पेड़ होते हैं ताड़ के है। उसकी ओट में होकर के मारते हैं है। तो ताड़ के सात वृक्ष हैं किस शक्ति की यादगार के रूप में? ताड़ के ताड़ नाम पड़ा है ताड़ना से, इसलिए नाम पड़ा है ताड़ना। ताड़ना माने पिटाई करना। तो जो सात नारायण हैं वो ही ताड़ के वृक्ष हैं। दुनिया की दृष्टि में बहुत ऊंचे बनते हैं, जैसे सात धर्म इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन आदि, उनको पहले ईश्वर ज्ञान सिखाते हैं, ज्ञान में मजबूत बनाते हैं। वो ज्ञान में इतने तीखे जाते हैं कि ताड़ की तरह ऊंचे हो जाते हैं, बहुत होशियार बन जाते हैं। और फिर उनकी ओट में, जैसे अर्जुन ने चिखंडी की ओट लेकर के किसको मारा था? भीष्म पितामह को मारा था। ऐसे ही उन सात ताड़ के वृक्षों को ओट में रख करके बाली को मारा था। उन सात को आगे करता है। रामायण में राम को भगवान के रूप में दिखाया गया है क्या? और बाली के लिए ये प्रसिद्ध था कि उसके सामने जो आता था तो सामने आने वाले की आधी ताकत बाली के अंदर आ जाती थी। इसका मतलब सामना करने में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। तो बताओ कौन सी आत्मा है जो शास्त्रों में गाई हुई है कि युद्ध में कभी उसकी हार हुई नहीं, विजय उसका जन्मसिद्ध अधिकार है? वो कौन सी आत्मा है जिसकी विजय ही विजय हुई है, कभी हार हुई नहीं? कौन है वो? शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है। हारने वाले की ग्लानी होती है, अपयश होता है, जीतने वाले का अपयश नहीं होता है। कौन है वो? है नारायण। एक नारायणी है जिसकी कोई ग्लानी नहीं हुई है। उसी का नाम बाली रख दिया है।
उसको कंट्रोल में तो करना है भगवान को, लेकिन आगे किसको कर देता है? सन 68 से पहले राम वाली आत्मा से आगे कौन थे? राम वाली आत्मा को पढ़ाने वाले कौन थे? है वही सात नारायण, सत्यनारायण नहीं, वही सात नारायण जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, वो जो बहुत ऊंचे माने जाते हैं पुरुषार्थ में, बेसिक नॉलेज में। इन सात ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, वो एक बाण कौन सा है? वो निराकार बाप पतितों को पावन बनाने के लिए साकार में आया हुआ है। ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, फिर वो साकार कौन जिसमें निराकार बाप प्रवेश करके पतितों को पावन बनाता है? और क्या लिखा पढ़ो। अरे अरे पढ़ के देखा, तू ही तो पढ़ी लिखी है। बाबा सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज रहता है, तो राजा वहाँ कहाँ से आ गए? राजा रानी तो द्वापर युग से आते हैं। राजा रानी द्वापर युग से आते हैं, सतयुग त्रेता में राजा रानी नहीं होते। लक्ष्मी नारायण का राज, लक्ष्मी नारायण का राज कहाँ से आ जाता है? सतयुग में लक्ष्मी राजा ही नहीं होते, सतयुग में तो महाराजाएं होते हैं, राजाएं भी छोड़ो, त्रेता में राजाएं होते हैं, फिर द्वापर में राजाएं और महाराजाएं दोनों होते हैं, फिर कलयुग में नाम मात्र के महाराजाएं होते हैं और बाकी सब राजाएं होते हैं। ये कलयुग के अंत में थोड़ा सा समय है जो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चलता है, बाकी तो दुनिया में सदैव राजाओं का ही राज्य चला है, चाहे राजाओं का हो चाहे महाराजाओं का हो। राजा ही तो बाबा अभी स्थापन कर रहे हैं, जब अभी राजा ही स्थापन हो रही है तो सत्युग में चलती नहीं रहेगी, राजा ही का विनाश हो जाएगा नहीं। 2500 वर्ष तक तो ऐसी राजाई चलेगी जहाँ कोई भी प्रतिरोध करने वाला नहीं होगा। और बाबा भगवान बाप साकार में है तो फिर बाणी बाबा फिर अव्यक्त रूप में क्यों चलाते हैं? कौन से बाबा चलाते हैं? ऐसे अव्यक्त बाणी में बोला गया, ऐसे ऐसे पॉइंट आते हैं तो अव्यक्त वाणी में जो बोला गया है वो कौन चलाता है? अव्यक्त वाणी जो बोलने वाली आत्मा है वो कौन सी आत्मा है? अरे इनको तो बोलने दो कुछ तो। अव्यक्त वाणी बोलने वाली आत्मा कौन सी है? हैं? ब्रह्मा बाबा है, शिव बाबा तो नहीं है, शिव बाबा नहीं है, बस खत्म। ब्रह्मा बाबा देव आत्मा है या भगवान आत्मा है या राक्षसी आत्मा है या मनुष्य आत्मा, कह क्या कहेंगे अभी? अभी क्या कहेंगे? देव आत्मा है। तो देव आत्मा देवताई गुणों की वाणी चलाएगी या ज्ञान की वाणी चलाएगी? देवताएं क्या सिखाएंगे? हैं? दिव्य गुण सिखाएंगे, तो दिव्य गुणों की वाणी चलाते हैं, उनकी वाणी में वो दिव्य गुणों की भाषा भरी पड़ी है, बस। बाकी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज वो नहीं समझा सकते, वो अपने जन्मों को भी नहीं जान सकते, वो भी बताने के लिए बाप को दोबारा आना पड़ता है। और
2012 में बाबा का अज्ञातवास भी खत्म हो जाएगा तो क्या बाबा का टूर भी खत्म हो जाएगा? बताओ है, किसी को बड़ी भारी चिंता हो रही है कि बाबा का टूर भी खत्म हो जाएगा क्या? फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, पांडवों के अज्ञातवास खत्म होने से पहले या पांडवों का अज्ञातवास शुरू होने से पहले पांडव मिलते थे कि नहीं मिलते थे? है, लोगों से मिलना जुलना होता था या नहीं होता था? होता था, तो बाद में मिलना जुलना नहीं हो सकता है? हो सकता है, चिंता की तो बात ही नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि बच्चों से मिलेंगे और देह अभिमानियों से नहीं मिलेंगे। तो हो चुका है। बाबा शब्द बंदी बिंदी बाप कौन सा है? बाबा शब्द में किसने लिखा? शब्द वेदी बाण है, शब्द वेदी बाण, शब्द वेदी बाण, वेदी लिख दिया, शब्द भेदी बाण। हाँ, शब्द वेदी का मतलब यह है जहां से आवाज आई उसी आवाज की दिशा में बाण मार देना, उसको कहते हैं शब्द भेदी बाण। जैसे पृथ्वीराज चौहान के बारे में ये प्रसिद्ध है कि उनका साथी था चंद्रवरदाई कवि, तो पृथ्वीराज को अंधा कर दिया था, मोहम्मद गौरी ने। फिर भी उसने कहा मैं जहां भी बैठता हूं वहां पर तुम मुझे अगर बाण से मार दो मैं शब्द करूंगा, आवाज करूंगा, आवाज की दिशा में तुम मुझे मार दो, बाण मारो, तो मैं तुम्हें लक्ष्य भेदी बाण मारने वाला समझूंगा। तो वो तो बैठ गया ऊपर जाकर के। उसी समय चंद्रवरदाई ने कविता गा दी, चार बांस चौबीस गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। उसी ऊंचाई में उसने बाण मार दिया जिस दिशा से आवाज आई थी और वो मारा गया। ऐसे कहानी कुछ आ रही है, सच्ची है या झूठी है ये तो फिर आविष्कार करने वाले बताएंगे। उसे सब सबने भी सब वेदी बाण मारा। हाँ, वो तो सब चलता है, अनेक अनेक नाम है। बाबा कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए, इसका क्या अर्थ है? बाबा बेहद में जब गोपियों के कृष्ण ने अर्थ शब्द वो वस्त्र चुराए तो गोपियां नीचे थी या ऊपर थी? गोपियां नीचे थी और कृष्ण कृष्ण ऊपर था, इसका मतलब क्या हुआ है? अरे इसका कोई मतलब दे, कोई शास्त्रों में जो भी बातें दिखाई हैं उनका मतलब होगा ना। अरे ये पुरुषार्थी ब्राह्मणों की ही तो कथा कहानियां हैं।
पुरुषार्थ में कोई ऊंची स्टेज में होता है और कोई नीची स्टेज में होता है। गोपियां ज्ञान स्नान तो कर रही थी, लेकिन स्टेज ऊंची थी या नीची थी? नीची स्टेज थी, देह अभिमान की स्टेज थी। तो देहभान भरा हुआ था, कृष्ण ने उनके देह अभिमान रूपी वस्त्र को चुरा लिया। वो कथा दिखाई गई है हद में। और पानी होता है बाबा। हाँ, मुझे मैं आज की 8 वर्ष से चल गए हैं परीक्षा पास करने के, तो 8 वर्ष कब से कम हुआ? तो 68 की मुरली है, 68 और 76 में कितने साल हुए? 8 साल का अंतर हुआ। माना बाबा की नज़र में कोई बच्चा है जिसके लिए ये बात बोली कि 8 साल में तुम्हें तुम्हारी बुद्धि में आ जाएगा कि विश्व की बादशाही किसको मिलेगी। और ब्राह्मण भोजन के लिए देवता तरसते हैं, भोजन तो है लेकिन देवता कहाँ है? क्यों, ब्रह्मा बाबा की आत्मा, मनमोहनी दीदी की आत्मा, कुमार का दादी की आत्मा, मम्मा की आत्मा, ये देवता ही आत्मा ही नहीं है? ये देव आत्माएं हैं या मनुष्य आत्माएं हैं? हैं देव आत्माएं हैं। तो वो देव आत्माएं तरस रही हैं, जो साकार में ब्रह्मा है उस ब्रह्मा का जो भोजन है उस भोजन को प्राप्त करने के लिए। लेकिन उनको तो सूक्ष्म शरीर है, कैसे प्राप्त करें? और बाबा मुरली में आया है कि ईश्वरी संदेश है, ईश्वरी संदेश कोई एक बार तहे दिल से ग्रहण कर ले तो वो देवता बन ही जाता है। लेकिन बाबा देवता बनने के लिए तो पुरुषार्थ करना होता है ना? माने राजा, राजा ही तो ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना होता है। देवता वर्ग में, प्रजा वर्ग में आने के लिए कोई पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं है। जो आत्माएं एक बार संदेश स्वीकार कर लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं, हाँ कर देती हैं, ठीक बात है, हमारी समझ में आती है ये बात, बात अच्छी है, लेकिन चल नहीं पाते हैं तो वो प्रजा वर्ग में आ जाते हैं। जो पुरुषार्थ करते हैं वो राजा रानी के परिवार में आ जाते हैं, प्रिंस प्रिंसेस बन जाते हैं, महाराजा बन जाते हैं। तो प्रजा वर्ग में आने के लिए पुरुषार्थ की दरकार नहीं है, संदेश लेना ही काफी है उनका। कोई तो संदेश भी नहीं लेते, हम नहीं मानते इन बातों को। तो जो मानते ही नहीं, संदेश स्वीकार ही नहीं किया, वो प्रजा बनेंगे? वो तो प्रजा भी नहीं बनेंगे। हाँ बोलो। तो बाबा लास्ट में आ जाएंगे क्या? कौन? जो संदेश ले, जो संदेश लेने वाले आ जाएंगे, जिन्होंने तहे दिल से संदेश लिया। तहे दिल मतलब बाबा? हाँ जी। तहे दिल मतलब? दिल से, तहे माने दिल की गहराई से। और क्या बाबा, ये राजा बनेंगे तो फिर बाबा का साकार रूप मिलन होगा कि नहीं होगा? राजा यहाँ बनना है इस जन्म में, इसी भी जन्म में। राजा जब बनेंगे तो वो जन्म ही अगला होगा, और शिव बाबा इसी जन्म में मिलता है या और 83 जन्मों में भी मिल जाता है? बाबा तो सिर्फ एक ही जन्म में मिलता है, जिसे कहते हैं शिव बाबा।
क्या शिव बाबा सिर्फ इसी जन्म में मिलता है और बाबा तो सदा कायम है, लेकिन शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम नहीं है, तो शिव बाबा कैसे मिल जाएगा? शिव बाबा तो एक ही बार आया और षष्ठी चक्र का चक्का चलाया, ज्ञान का डंडा घुमाया और गया, तो ज्ञान का डंडा घुमा रहा है अभी, इसलिए वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले अपना अपने को क्या उपाधि देते हैं, प्रजापति कुम्हार, कुंभ बनाते हैं, कुंभार, कुंभ बनाने वाले, ये ज्ञान का घड़ा है, शिव बाबा आकर के इस घड़े को बनाता है, है तो ये मिट्टी का ही, इसे मिट्टी के घड़े को बढ़िया बना देता है, जो 84 जन्म लेता रहे, जन्म जन्मांतर राजा ही प्राप्त करता रहे, सुख प्राप्त करता रहे, भगवान से और क्या मिलेगा, भगवान काहे का वर्षा देगा, है सुख शांति का वर्षा देता है, लेकिन क्या परमधाम से टपकाता है सुख शांति? नहीं, परमधाम से आता है तो वो तो सिर्फ ज्ञान सुनाता है, अब जो जितनी पढ़ाई पढ़े सो एक ही जन्म में पढ़ाई पढ़ ले, फिर तो ये पढ़ाई पढ़ने वाली नहीं, मिलने वाली नहीं। और है प्रकृति तो तम प्रधान होती जा रही है, ठीक है होना चाहिए, आगे चल के फिर भारत के किसान का क्या होगा, वो खेती कैसे कर पाएगा? मनुष्यों की प्रकृति सतो प्रधान बन रही है कि तमो प्रधान बन रही है? मनुष्यों की प्रकृति माने स्वभाव संस्कार तमो प्रधान बन रहे हैं या सतो प्रधान बन रहे हैं? जब मनुष्य ही तमो प्रधान बन रहे हैं तो प्रकृति भी तमो प्रधान बन रही है। मनुष्य अपने से बाज नहीं आ रहे हैं, भले भगवान पढ़ाई पढ़ा रहा है इस सृष्टि पर, पढ़ाई पढ़ने वाले भी बाज नहीं आ रहे हैं, अपनी अड़पड़ अड़े हुए हैं, तो कुदरत भी वो भी अपनी अड़पड़ अड़ी हुई है, इसलिए बाबा ने बोला एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाएंगे। तो वो एक पहला पत्ता कौन है? है वो एक पहला पत्ता है और चाणक्य सीरियल में दिखाया है कि विष्णुगुप्त गुरु को दक्षिणा देने के लिए कोई से गाय मांगता है, और बाबा ने बोला मांगने से मरना भला, तो ब्रॉड ड्रामा की ब्राह्मणों की दुनिया में क्या शूटिंग होती है, है? शास्त्रों में भी एक कथा आई है गाय मांगने के बारे में, याद है क्या है? वशिष्ठ जी ने गाय पाली हुई थी, विश्वामित्र ने गाय मांगी, वशिष्ठ ने देने से इनकार कर दिया, अब समझ जाओ वशिष्ठ कौन है,
गुरु, वशिष्ठ तो गुरु जी थे ना, विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे, मांगने पर भी नहीं दी। और बाबा ने सिखाया मांगने से मरना भला, तो जो भला है सो ही उन्होंने काम किया। जब मांगने पर नहीं दिया तो क्या किया है, है? क्या किया, युद्ध? नहीं, जबरदस्ती नहीं ले पाई, युद्ध किया, जबरदस्ती की, और जबरदस्ती करने पर भी नहीं ले पाए तब क्या किया, पुरुषार्थ किया। तो बाबा भी कहते हैं मांगो मत, ऐसा पुरुषार्थ करो कि तुमको मांगने की दरकार ही न पड़े। फिर वशिष्ठ जी ने अपने आप ही सौंप दी। जब वो क्षत्रिय से तपस्या करके ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया तो गाय को उन्होंने दे दिया। अब बताओ कौन सी गैया थी। अभी बाबा ने तो कह दिया मांगो, माने आवाहन करो मांगो, बात तो एक ही हो गई है, आवाहन करो तो मांगो ना। भाई वशिष्ठ जी क्या करेंगे, मांगने वाला ही नीचा या देने वाला नीचा? मांगने वाला नीचा। तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा, अभी वशिष्ठ जी कौन है, वो कहते हैं मांगो, आवाहन करो, आ जाओ आ जाओ। ये भी तो मांगना हुआ ना, है? लड़ाई लड़ो जब समझ में आ जाएगा लड़ाई से मिलने वाली चीज नहीं है, तब क्या करोगे, तब पुरुषार्थ करोगे। बाबा भी यही इशारे देते हैं मांगने से मरना भला। और क्या, पुरुषार्थ करना सहज रास्ता है या मांगना सहज होता है, है? पुरुषार्थ मांगना सहज होता है। ये तो दुनिया वालों की बनाई हुई बात है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दिया दिखाए। ये भक्ति मार्ग में कहते हैं या ज्ञान मार्ग में कहते हैं? ये तो भक्ति मार्ग में कहा गया है। ज्ञान मार्ग की बात थोड़ी है ये, जो वेद का अर्थ हो। ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको शिव बाबा मिला, गुरु ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की बलिहारी करें या शिव बाबा की बलिहारी करें? ब्रह्मा की करें, है? है? पूरे भगत हो शिव बाबा की इच्छा से काम हुआ या ब्रह्मा की इच्छा से शिव बाबा आया? तो बलिहारी किसकी है? अच्छा अच्छा अच्छा। बाबा, मांगने से स्वाभिमान का घाटा होगा। बिल्कुल, स्वामाने आत्मा, आत्मा का अभिमान खत्म कर दिया। बाबा ये बाली कौन है? बाली कौन है? बाली कौन है? लो, पूरी कथा खत्म हो गई। उन्हें बाली का अर्थ ही नहीं समझ में आया।
अब कोई भी पूछ रहा है, पूछ तो बाहर आ गई। अरे जिस समय बात चल रही थी उसी समय पूछ लेते, छुपा छुपा के क्यों रखते हैं? बताया कि रामायण में राम को भगवान बता दिया है। क्या बता दिया है? भगवान, देवता नहीं समझा है, राम को उन्होंने भगवान के रूप में दिखाया है। और भगवान जो है बाली का डायरेक्ट मुकाबला नहीं करेगा, इसलिए नारायणों को आगे कर दिया। सन 68 तक सातों नारायण ज्ञान में आ चुके थे। उन सातों नारायणों से राम वाली आत्मा ने ज्ञान लिया। उसको समझाने वाला प्रैक्टिकल गुरु कौन था? ब्रह्मा बाबा मौजूद था है? नहीं था, तो कौन था? प्रैक्टिकल में समझाने वाला कौन था? नारायण, बाकी सात नारायण। तो वो सात नारायण मुखिया थे यज्ञ में, वो आगे कर दिए। वो सात नारायणों में ही धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं, जो ताड़ की तरह ऊंचे हो जाते हैं दुनिया के सामने। उन सात ताड़ के वृक्षों को राम वाली आत्मा एक ही बाण से मार देती है कि पतित पावन कौन है? कहेंगे शिव बाबा। और शिव बाबा किसे कहा जाता है? साकार निराकार के मेल को। तो वो मेल कौन है? वो साकार निराकार का मेल कौन है जो पतितों को पावन बनाता है? तो वो बाली हो गया। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कहते हैं ना, तो उसमें लक्ष्मण किस धर्म का है? क्योंकि कभी कभी कृष्ण की आत्मा को भी कहते हैं कि लक्ष्मण, आत्मा को भी कहते हैं लक्ष्मण, कृष्ण वाले स्वरूप को भी कहते हैं लक्ष्मण का पार्ट ले जाता है। हाँ, क्यों? उसने लक्ष्य प्राप्त नहीं किया क्या? 16 कला संपूर्ण बनने का, 16 कला संपूर्ण नारायण बनने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है? किया। हाँ, तो असली हिसाब में तो वो ही है, लेकिन उसका फॉलोअर असली कौन है? वो तो चला गया। कृष्ण वाली सोल तो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में है, साकार में है नहीं है, तो वो तो गया। फिर उसका असली फॉलोअर कौन है? जो भारतीय धर्म का मुखिया मुख्य है, भारतीय धर्मों में मुख्य है, जो भी भारतीय धर्म है उनमें मुख्य पार्ट बजाने वाला कौन सा धर्म है? सिख धर्म तो लास्ट है। कौन सा है? बुद्ध धर्म है। तो जो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध है, उसी में बाबा की आत्मा ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके लक्ष्मण का पार्ट बजाती है, क्योंकि उनका अपना शरीर तो है नहीं। और महात्मा बुद्ध से ज्यादा पावरफुल आत्मा और दूसरी कोई भारतीय है नहीं। इस्लाम धर्म का नारायण है पावरफुल, लेकिन वो भारतीय तो नहीं है। और बाबा, ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार भाई है ना, तो राम लक्ष्मण, तो राम सूर्यवंशी हो गए, चंद्रवंशी कहाँ गए? चंद्रवंशी, सूर्यवंश कोई अलग से थोड़े ही होता है,
सूर्यवंश का अलग से अस्तित्व नहीं है, सूर्यवंश की राजाई अकेली नहीं चलती है, राजाई चलाने के लिए सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों ही चाहिए, ये प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। बाप आकर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, इसलिए धर्मों में भी प्रवृत्ति है। सूर्यवंश और चंद्रवंश साथ ही हैं।